365 days बहनों के लिए है, सुना है कि नहीं? भाई लोग हमेशा ये बोलते हैं कि भाई ऑल 365 days आर वुमेन, तो वुमेन डे मनाने की जरूरत क्या है? आज मैं उसका जवाब दूंगी और साथ में ये भी इच्छा रखूंगी कि आप लोग भी जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ बोला जाए तो आप ये कहोगे, दिस इज द आंसर टू दैट, कि सही बात है ऐसे मैं कहती हूँ 364 days वुमेन के लिए है। और ये एक दिन जो होता है ना, उस दिन पे ये वुमेन भाइयों को कहती है, भाइयों को यानी जेंट्स को। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस, लेट मी क्लैरिफाई कि ये जो भी है वो ये लड़क स्त्री पुरुष की नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइट, दिस इज नॉट अ जेंडर फाइट, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन मैन एंड अ वुमेन, दिस इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड एविल, अच्छे और बुरे की लड़क है, हम तो सब मिलके लड़ रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे आगे बढ़ के कि जब कहा जाता है कि भाई 365 days वुमेन के है तो क्या जरूरत है वुमेन के की, मुझे इसी पॉइंट पे कहना है कि नहीं 364 days वुमेन के है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो वाइफ हो, डॉटर हो, मदर हो, बहू हो, जो भी हो, वो 364 days निस्वार्थ त्याग तपस्या से काम करती है। अगर आपको पता है अभी कोविड गया तो नहीं कह सकते, अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा तो सबसे आगे कौन थी? फ्रंटलाइन वर्कर्स वुमेन थी। अगर आप नर्सेस देखो हॉस्पिटल में, स्वच्छता अभियान स्वच्छता कर्मचारी देखो, पुलिस देखो, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स में वुमेन। वो तो वो आप घर में भी देखोगे तो यू नो घर में भी क्या हुआ, मम्मी थी, अब तो हस्बैंड बच्चे सब घर पे सर पे बैठे रहे हैं, उनका पूरे दिन के दो चार टाइम का खाना नाश्ता, उनकी ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग करना या सब मिलेगी तो उसका व्यवस्था करना, बंदोबस्त करना, डोमेस्टिक हेल्प ना हो तो वो काम करना, सब किसने किया है? यही बहनों ने किया है 364 days। ये एक दिन